रात के 3:30 बजे हम जा रहे हैं नाई के पास कद बनवाने के लिए। देखते हैं मैं आसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा हम आएंगे सो जाएंगे। ये राजान है आशिक को आज शानू ने छोड़ दिया है, शानू अकेला गया। आशिक तो मेरे ख्याल से आशिक मैं कब से शॉपिंग पे गया हुआ था, अभी मैंने मोबाइल निकाला ये बार मेरे को मिल गया एक, ये मिल गया तुम्हें। मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं यूट्यूब वीडियो कुछ देख। अभी आप मैसेज पे किससे बात कर रहे हैं? मैसेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आओ ले आओ। नहीं नहीं कुत्ता है। चलो अभी नाई के पास चलते हैं, फिलहाल मैं बनवाना है कट। चलो बाइक चलाओ, बाइक चलाओ, बाइक चलाओ, आज आखिरी बार बाइक चलाओ ईद की खुशी में। ये मेरा बसंती है, बैठ के हम लोग इस पर बैठ के हम लोग जाएंगे कट बनवाने। अरे तू गर्म है हुआ, इसको ठंडा करो थोड़ा। बकरी तुमसे काया भी नहीं जाता, ये काओ काओ बिस्मिल्लाह करो। उसका माल नहीं छोड़ना है खास तौर पर ऐसे बंदों का। कितना खिलाता हूँ नमक करम, फिर भी कितना खिलाता हूँ। ये भी जता रहा है एक बंदे की तरह, केचप केचप केचप। मुबशीर नाई वाला बोल रहा हूँ, वो चढ़ जाएगा। मुबशीर सलोन वाला भाई अभी नहीं देखा वहाँ पर कहाँ है, ओ वहाँ पे रश है। ये कह रहा यहाँ पे ये सो गया, इसका नंबर नहीं आ रहा है ना, ये सो गया। मैंने इसको आसने में दिया, अभी एक बंदा है उसके बाद हमारा नंबर है। मैं तो इससे मैं बना के घर पे भी जाता, वार किया हमें भी इसने। मुझे बोला कुर्सी पे बैठो, ये लाया अपने नाई के पास। भाई नाई नहीं सलोन मुबशीर भाई, आसान हो रहा है थोड़ा। मेरे नंबर आ गया भाई का, नंबर लगा दिया भाई नंबर। शाम 7 बजे के बैठे हुए थे, अभी नंबर आया। सुबह अल्लाह माशाल्लाह खैर खैरियत से खत बंद है। बाकी ईद है सुबह, सबको मुबारक हो। खैर इधर रोशनी है, वह सही है। लोगों ने खत बनवा के फिर हो गए, अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। मैं जाऊंगा उसको छोड़ने बाबर को, वो ईद की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे, तैयार होंगे जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। बाबर आज पहली बार ईद की नमाज़ पढ़ेगा। हाँ तो मैं कल बनवा कर आ गया हूँ, काफ़ी टाइम लग गया यार। 7 बजे तो वहाँ से आया, तो अभी हम जाएंगे नहाने और फिर वीडियो पे स्टार्ट करते हैं और फिर आपको फर्स्ट ईद का व्लॉग दिखाएंगे। 1 2 3 तो भाई तैयार हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं नमाज़ के लिए। हम आज फर्स्ट टाइम जाएंगे ईदगाह में नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मैं हर ईद में अपने घर के करीब मस्जिद में पढ़ता था, लेकिन आज मैंने बोला मैंने भी चाह रहा था मैं आज ईदगाह जाऊं, तो मैं जा रहा हूं। तो मिलते हैं आपसे फिर। मुसलमान एक जगह जमा होके अल्लाह की बारगाह में इस खुशी के दिन में अल्लाह की आलमीन अर्रहमान अर्रहीम हम सब की हाजिरी को नमाज ईद का अदा करना अपनी पाक बारगाह में इसी शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। इसके तवस्सुल से हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या इलाहुल आलमीन जिस तरह रमजान मुबारक में इबादतों का ज़ौक और शौक रहा, इलाहुल आलमीन या अर्रहमान अर्रहीम बाद रमजान में भी हमें इबादतों का ज़ौक और शौक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन मसाजिदों को आबाद करते रहने की तौफीक अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, मरहूमीन के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनके सगायर और कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन मरहूमीन की कब्रों के ऊपर अपनी रहमत और रिज़वान की बारिश नाज़िल फरमा। इलाहुल आलमीन या अर्रहमान अर्रहीम मरहूमीन की कब्रों को आका करीम अलैहिस्सलाम के नूर से रोशन मुनव्वर फरमा, उन्हें सरकार अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें भी अपनी मौत और आखिरत और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। खुशी का दिन हो तो अपने बहुत याद आते हैं,
तो अपनी प्यारी सी दुआ में मेरी बहनों को ज़रूर याद रखना। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, उनको कब्र के अंदर दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो। तो अभी हम आए हैं अपने इलाके में, तो हमें मिल गए हैं सबसे पहले, कौन कौन नहीं जानता, कौन कौन जानता है गाइस, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, तहे दिल से ईद मुबारक। बिल्कुल, अगर कोई बात, कोई भी बात इधर उधर व्लॉग में जाने अनजाने में हो गई हो, बिल्कुल दिल से माजरत चाहते हैं। बाकी नुमान भाई को सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मट्टी में इधर से जाऊँगा। तो भाई इसने जो बोला है वो करना है आपको, ठीक है? मेरी तरफ से और हमारी यूट्यूब फैमिली को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनके सपोर्ट चाहिए। पूरे इलाके में मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं। मुझे बोला था ये सबने कि हम ईद की नमाज़ के बाद आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। मैं कब्रिस्तान से भी होकर आ गया, यहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे काट दिया। अरे ये देखो, एक का फ़ोन आ गया लेकिन उसने कॉल ही काट दी। अच्छा नहीं, बहुत गुस्से में बकरी को मार रहे हैं। चश्मे जम्मा का बड़े फोन सुरत ओवर का मिला। हेलो, तो अभी इनसे मिलिए, ये है हमारी प्यारी सी शहजीन, ये हमारी भतीजी है, मनोहर भाई की बेटी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ये बचपन के दोस्त है दोनों, इन दोनों का फोटो शूट हो रहा है अभी। चलो भाई अपने अपने घर जा रही है, अभी रात को 8 बजे या 10 बजे मिलेंगे सारे बच्चे, ठीक है? ये मेरा पसंदी है भाई, धूप में ये गर्म हो गया होगा। बोले अन्नी ट्रक आ रहा है, रास्ता नहीं है, पहले से इतना बड़ा ट्रक आ गया। हमें दो ना टर्बो गाड़ी विशा भर दो ना ईशा बाबा, ये उनासी गाड़ी होना है, उनासी गाड़ी है। ये इंजन काफी ज्यादा स्पीड जो लगना है। नमाज वाने ने जमा तय हुआ सब। अरे बेचारते गेल के बाद गेल के गेल के आज ईद का दूसरा दिन है और हम आए हुए मलीर अकबर भाई के पास घूमने के लिए और शकील भाई के पास। तो ये हमें लेके जा रहे हैं ज़मीनों पे, हम आपको दिखाएंगे मलीर की खूबसूरती, ये देखें। अभी हम चलते जा रहे हैं, आगे जाएंगे, आगे दिखाएंगे कि आपको कि हम भी क्या देखने जा रहे हैं। ये जगह है, डैम उर्दू में बोलते हैं डैम, ये यहाँ का डैम है, कराची मलीर डैम है ये। हम आपको मलीर डैम दिखा रहे हैं अभी। ये सामने सारे टिकटॉकर हैं मेरे ख्याल से। ये देखो ऐसा खतरनाक जगह है, खतरनाक जगह से हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बस ये देखें ये जगह, वो देखे भाई जा रहे हैं, आओ भाई। ये देखो कितना गहरा है, ये मलीर नदी है भाई। ये सर चक्कर लगे आराम से कर, ये शकीले चुके ए जैम सुबोंडे इरुनी जमा कारण पूरा वाटी यहां से वहां जाना है। शकील मना भी बताओ, यहां से जंप पास में उस साइड जाना है अभी। फिर हम जाएंगे नीचे और थोड़े से वीडियो बनाएंगे, पिक लेंगे, फायर कर रहे हैं मेरे ख्याल से यहां पे। पटाखा तोड़िए बैठा बैठा।
अरे माँ इधर से नया अकबर मावड़ा से बेला गया ए सीढ़ी खतरनाक है यार। हाँ हवड़े यार ये देखो ये कितना खतरनाक रास्ता है। और अकबर भाई मैं यहाँ से लेके जा रहा, अकबर भाई थोड़ा बच्चे का ख्याल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखो कैसा रास्ता, चक्कर आ रहा है मुझे तो नीचे देख देख के, ऐसे खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं। कह रहे कि आगे देखते हुए आना, आगे नहीं देखेंगे तो हम नीचे जाएंगे फिर अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। ये है यहाँ का और ये रास्ता अल्लाह है। और फाइनली उतर गए हम, अभी और भी नीचे जाना है। किसके नीचे? किसके नीचे क्या मतलब भाई, नीचे आपने में ऐसे खतरनाक रास्ते से लेकर आए हो। ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है वाकई। और इधर हमारी पहाड़ी हो रही है, ये देखें ऐसे ऐसे जगह से हम लोग उतर रहे हैं। बिस्मिल्लाह तो फाइनली भी नीचे आ गए। तो जो हमारे साथ है वो सामने देखे खड़े में, और अभी हम आए हुए नीचे। और ये ईद के दिन भी मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोकॉन कंपनी का, कौन सा कंपनी? प्रोकॉन कंपनी। प्रोकॉन कंपनी भाई, ये नया कंपनी के अंदर प्रोकॉन कंपनी है। अच्छा नदी के अंदर ही है। कर क्या रहे वैसे यहाँ पे? खजाना है खजाना ही खजाना है, या खारून का खजाना ढूंढ रहे हैं अभी तक किसी को, लेकिन मिला नहीं है बस। अच्छा नहीं लगे हमें ढूंढने में। दो मजदूर और देखो चढ़ गए ऊपर। ये हमारे मजदूर हैं, ये देखें फिर ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हमें आवाज़ें दे रहे हैं कि ऊपर आ जाओ जल्दी, तो हम लोग अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करें। ये है यहाँ का कुआ, देखिए कितना गहरा। ये है मलीर का कुआ, उर्दू में कुआ बोलते हैं, कुछ तो इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश पढ़ने वाले वो समझ जाएं कि इसको क्या बोलते हैं। ये देख लो दोबारा, ये वाले तो पाना हूँ, पाना। ये आ गया हमारे मलीर के, मलीर के लिए सुपरस्टार अकरम भाई। और ये वैसे हमारे हैं बड़े भाई, हम इसको नाना जान कह के पुकारते हैं। ये हमारे नाना जान है, हमारे तो ताया अबू होंगे। जी हाँ बिल्कुल। शकील भाई डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर, अब्दुल्ला मुराद के राइट हैंड, अब नहीं है। इनके ज़मीनों में भी खेती बाड़ी चल रही है, ये देख रहे। अभी तो मगरिब का टाइम है, इतना नज़र तो नहीं आया सीधा, अभी हो गया अंधेरा। किसी और दिन आएंगे तो अच्छी सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे नाना अब्बा कहाँ हैं? ओ रे हमारे नाना अब्बा आ रहे पीछे। नाना हो सकता है, यही आ रहा है। दो बच्चे, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का। Oh